नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। स्टॉक मार्केट वी टेक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि यह चैनल आप लोग पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि लाइव डाटा अपने एक्सेल शीट में कैसे लें, क्योंकि एनएससी से आने वाला डाटा कम से कम 4 या 5 मिनट लेट मिलता है, जिससे हम लोगों को एनालिसिस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, आज हम लोग इसके ऊपर इसको समझते हैं कैसे क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग एक नया एक शीट ओपन करेंगे। जैसे हमारी ये शीट है, इसको हम दोबारा आप लोगों को खोल को दिखा देते हैं। यहाँ से ऐसे खोलना है, फिर न्यू एक सीट यहाँ पे क्रिएट करनी है। इसके बाद हम लोगों को अगर स्टॉक का डाटा लेना है तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे स्टॉक का डाटा सब अवेलेबल है। यहाँ से एक देखिए, यहाँ पे एक दिया है लिंक टू एक्सेल, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारा इन्फी पावर है और यही फंक्शन डॉट स्टॉक में भी होता है। और आप लोग यदि नेक्स्ट यूज करते हैं या ओडिन हो या नाउ हो, उसमें एक राइट क्लिक करने के बाद लिंक टू एक्सेल का ऑप्शन दिया रहता है। आप लोग वहां से भी सेम प्रक्रिया से कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को यहाँ पे लिंक टू एक्सेल पे क्लिक करना है। करने के बाद ऐसे एक ऑप्शन ओपन हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ से हम लोग मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के बाद फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और देखिए, इसके बाद ये लाइव मतलब अगर मार्केट अभी क्लोज है, अगर मार्केट चलेगा तो यहाँ पे ये सारा डाटा लाइव आप लोगों को शो होगा। और यदि हम लोग को ऑप्शन का यदि डाटा इसमें लेना है, उसके लिए भी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। हम लोग को यहाँ पे 2 वॉचलिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए न्यू इसको देखते हैं। हाँ, क्रिएट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऑप्शन निफ्टी सी, और एक और वॉच लिस्ट क्रिएट कर देते हैं हम लोग ऑप्शन निफ्टी पी। इसको क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे वॉच लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को अगर निफ्टी का लेना है तो यहाँ पे उसका स्टॉक उसको ऐड कर देंगे, उसका सिंबल निफ्टी सी है। 10 अक्टूबर का अगर लेना है तो यहाँ पे जहाँ से भी लेना हो वहाँ से यहाँ सेलेक्ट करते हम 10,000 से लेते हैं, यहाँ से ऐड करते जाते हैं। उसके बाद वाला सब इसको धीरे धीरे ऐसे पूरा ऐड कर लेंगे हम लोग। दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को लाइव डेटा मिलेगा और वो भी फ्री में, बिना एक भी पैसे खर्च किए। हाँ, 12,000 तक ही हम लोग रहने देते हैं इसको। और वैसे हम लोगों को पुट में ऐड करना होगा, यहाँ से पुट सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको भी 10,000 से ऐसे ही सेलेक्ट करते जाते हैं हम लोग।
दोस्तों इसको अच्छी तरह से देख लें कहीं कुछ इसमें कोई स्ट्राइक पे छूटा तो नहीं है। यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसको एक्सेल में हम लोगों को लेने के लिए पहले यहाँ पे सी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्रिएट टू लिंक टू एक्सेल पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ला करके और कंट्रोल भी कर देंगे, ऐसे इसमें आ जाएगा सारा डाटा। इसका नाम रख देते हैं निफ्टी सी। इसके बाद फिर अगला क्रिएट करेंगे, इसको लिख देंगे निफ्टी पी। लिखने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे, इस वॉच लिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ऐसे क्लिक करने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लिंक टू एक्सेल पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें आएंगे, फिर यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, फिर इसमें भी देखिए लाइव डाटा आ चुका है। और दोस्तों यह बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि सेव होने के बाद भी बात ओपन करने पे नहीं दिखता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आपको दिखा देते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, सेव किए फिर दोबारा इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे अपडेट पर क्लिक किए, ओके किए, देखिए अभी आ जाएगा पूरा डेटा। देखिए सारा डेटा आ चुका है इसमें दोस्तों। अब तो इसमें एक्सेल में डेटा आ चुका है, हम लोगों को इसको एनालिसिस करने के लिए बनाना पड़ेगा। जैसे हम पहले बनाए थे शीट, इसी में सारे डेटा को हम लोग ले सकते हैं। इसके लिए हम इसको क्लियर कर देते हैं यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं क्लियर कंटॉक। इसके बाद हम लोगों को सी का ओपन इंटरेस्ट लेना है, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे हम लोग इज इक्वल टू सम इफ फिर यहां पे आएंगे निफ्टी सी में, फिर यहां पे ओपन इंटरेस्ट है, फिर ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। कामा देंगे, फिर आएंगे इसमें क्लिक करेंगे, फिर कामा देंगे, इंटर कर देंगे। अगर आप फार्मूला कुछ गलत हो रहा है इसको सही करते हैं, क्रिएट कर देते हैं इसको। फिर से लिख देते हैं सम इक्वल टू कामा देंगे, फिर यहां पे आएंगे इसको फिर कामा देंगे, फिर इसमें आएंगे, इसके बाद फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आपका ओपन इंटरेस्ट का डाटा आ चुका है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाइज चेंज यहाँ पे दिया, इसको भी ले लेते हैं इक्वल टू
कामा देंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कामा दे देंगे और फिर इसमें जाकर यहाँ पे y चेंज दिया है, फिर इसको ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पे कोष्ठक बंद करके एंटर कर देंगे। फिर ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम का भी डाटा आ जाएगा, वॉल्यूम का देख लेते हैं कहाँ पे है, नंबर आपका कॉन्टेक्ट एम कॉलम में है या फिर यहीं पे पेस्ट कर देते हैं फार्मूला, यहाँ पे बस चेंज कर देंगे, इसको एम कर देते हैं। दोस्तों इसमें वॉल्यूम जो होता है नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट में ही होता है वॉल्यूम, यहाँ पे उसका जो क्वांटिटी, ये वॉल्यूम जो दिया है इसमें जो आपकी क्वांटिटी है उसको कंसीडर किया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट में जितने लॉट है वहाँ यहाँ पे शो करेगा वह। इसके बाद यहाँ पे प्राइस चेंज लेना हो तो उसको भी देखते हैं कहाँ पे दिया है प्राइस चेंज, यहाँ पे सी में दिया है, इसको ऐसे ही फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, बस यहाँ पे चेंज कर देंगे, सी लिख देंगे, ये आपका हो गया। और यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी आ जाएगा आपका बी में आए, फिर इसको यहाँ पे कर देते हैं बी, फिर इसको बी, दोस्तों आईबी का डेटा सभी टर्मिनल में नहीं होता है, आप लोगों को देखना पड़ेगा किसमें है, जिसमें अगर होगा वहां से आप कुल कर सकते हैं उस टर्मिनल से, और जिसमें नहीं होगा उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और वैसे ही सेम प्रक्रिया करके आप पुट का भी ले सकते हैं, पुट का ओपनिंग टेस्ट का करके दिखा दे रहे हैं बस, बाकी तो आप कर ही लेंगे खुद। इसको रीड करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, फिर में आते हैं, फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फिर काम आते हैं, फिर पुट में जाएंगे, फिर इसको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके फिर यहाँ पे बंद कर देंगे इसको, फिर इंटर दबा देंगे, देखते हैं कुछ इसमें प्रॉब्लम हुआ है। यहां से इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे आ जाएगा, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी, आप यहाँ से देख कर कर सकते हैं उसको, ये चेंज इन ओपनिंग इंटरेस्ट क्यू वाले कॉलम में है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसका फार्मूला और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे इसको क्यू बना देंगे, नीचे तक ड्रैग कर देंगे, सारा फार्मूला सही हो जाएगा। फिर इसके बाद वॉल्यूम का है यम में, यहाँ पर वही प्रक्रिया करेंगे, बस यहाँ पे यम लिख देंगे, फिर नीचे तक ड्रैग कर देंगे, फिर चेंज इन वाई चेंज में देख लेते हैं या सी कॉलम में है, फिर वही प्रक्रिया करेंगे इसमें भी, फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, फिर यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है या बी में है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस को फिर ऐसे ही इसको पेस्ट करके बी कर देंगे यहाँ पे,
इसको भी एंटर करके फिर नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ओप स्टॉक में ये आईवी का वो दिया होता है, आप लोग चाहें तो उसमें अपना अकाउंट खुलवा करके, या अगर खुला होगा तो ऑलरेडी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, आप लोग वहां से आईवी का भी डाटा प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को आईवी की जरूरत नहीं होगी तो उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे आप लोगों का पूरा टेबल तैयार चुका है। अब ये आप इसको क्लोज करके जब भी खोलेंगे तो ये ऐसे आ जाया करेगा। इसको ऐसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, दिखा देते हैं आपको। देखिए अपडेट करेंगे तो देखिए डाटा अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा पूरा डेटा। देखिए पूरा डेटा आ चुका है। और आप लोगों को हर हर वीक जब भी अगर आप निफ्टी में एक्सपायरी वाला देखते होंगे वीकली एक्सपायरी, तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। हर वीक में आप लोगों को इसको अपलोड करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा डेटा। और फार्मूला तो वही रहेगा, बस आपको यहाँ पे एक बार ला के पेस्ट कर देंगे तो सब हो जाए। बस छोटा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, ज़्यादा वर्क नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे स्टॉक का भी अगर कोई स्ट्रेटेजी ओपन हाई लो का लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और अपना जो भी इसमें देखना हो आप कंसीडर कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर फ्यूचर का आप डाटा देखना चाहते हैं तो इसमें हम फ्यूचर का भी डाटा दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए फ्यूचर का हम बस दो डाले हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। यहाँ पे इसको भी देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और इसमें आएंगे और फिर यहाँ पे कंट्रोल भी कर दें, आप पेस्ट कर दें। देखिए आपका ये डाटा आ चुका है। इसको भी आप लोग एनालिसिस में इस समय शामिल कर सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों यदि आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो हमें संपर्क कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और देखते हैं, अच्छा इसमें एक और सेटिंग है आप लोगों को बता देते हैं। जैसे अगर आप लोगों के सिस्टम में ऐसे नहीं खुलता, अगर ये कुछ में कुछ एरर आता है या ये नहीं शो करता है, तो आप लोगों को एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी जो हम आप लोगों को बता देते हैं। आपको यहाँ से पहले सेव कर देते हैं इसको। इसके बाद आप लोगों के यहाँ पे क्लिक करना है, लिखना है एक्सेल। यहाँ पे क्लिक करके ओपन टू फाइल लोकेशन में जाना है, फिर यहाँ प्रॉपर्टी में जा करके और कंप्यूटर सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ पे इसमें जाना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करके ओके करके ओके करके और काट देंगे। इसके बाद आप लोगों का ओपन होने लगेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों आप लोग जिस विषय पे भी वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली समय में आप लोगों के लिए उस विषय पे वीडियो बना सकें और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि लोगों को अच्छी जानकारी और फ्री में जो लोग सीखना चाहते हैं उन लोगों को जानकारी मिल सके और अपना सिस्टम लोग खुद बना सकें। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।